गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज फिर इस वीडियो में मैं आप लोगों से अपने टेरेस गार्डन का अपडेट शेयर करती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें नई हो रही हैं और सीज़न के हिसाब से चीज़ें बदलती जा रही हैं, वही आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूँगी क्या नया हो रहा है। और डेफ़िनेटली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको दूसरी तरफ ले चलती हूँ अपने गार्डन के। तो देखिए, सबसे पहले ये तो हमारे रोज़ेज हैं, तो अभी इसमें तो फ़िलहाल कोई रोज़ नहीं है क्योंकि अभी तो इन्होंने अपनी ग्रोथ लेनी है, क्योंकि अभी मैंने इनको पॉट में डाला है। बट ये आज नया है, ये देखिए, ये हमारे गार्डन में आज बिल्कुल नया खिला है। पहला तो नहीं है, ये सेकंड रोज़ है। फर्स्ट तो एक्चुअली ये उतना अच्छा भी नहीं है, सुंदर नहीं है देखने में, लेकिन ये देसी वाला गुलाब है। और इसका कलर और इसकी खुशबू तो कोई दूसरा गुलाब मुझे नहीं लगता बीट कर सकता, इतनी अच्छी खुशबू है इसकी। और इसमें बहुत सारी बर्ड्स आ रही हैं। तो पहला वाला जो खिला था गुलाब, वो मैं खुद भी नहीं देख पाई थी क्योंकि वो तोड़ लिया गया था तो मंदिर के लिए एक्चुअली। तो ये बहुत सुंदर है, देखिए इसमें और बर्ड्स आ रही हैं, ये देखिए इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है। देखिए इसकी ग्रोथ सबसे अच्छी है वैसे। तो उसके साथ साथ ये मेरी क्लोरोपेटलम, तो भी थोड़ा मुरझा गए थे सारे ये, मैंने अभी पानी डाला इन सब में। और इसमें ये वाइट वाला जो है मिनिएचर रोज़, इसमें भी अभी बर्ड्स आनी शुरू हो रही हैं। तो चलिए ये दिखाती हूँ, ये हमारे धीरे धीरे ये पकते जा रहे हैं। और ये हमारे चाइनीज़ ऑरेंज, तो इसको मैंने ये देखिए एक तोड़ भी लिया है। तो धीरे धीरे करके हम तोड़ के इनको अपने अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। नींबू की जगह आप यूज़ कर सकते हैं इनको, बाकी तो सच कोई यूज़। अरे ये नहीं टूट रहा, ये तो बहुत आसानी से टूट गया था, बट ये नहीं टूट रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम फिर से ट्राई करेंगे। ये लीजिए, ये देखो, तो ये देखिए इसकी भी खुशबू जो है बहुत अच्छी होती है। ऐसे आप हल्का सा हाथ लगाओगे ना तो आपके हाथों में पूरी खुशबू हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे लग रहे हैं नींबू, यहाँ पर एक और ये दो, धीरे धीरे अब ये येलो टर्न होते जा रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे भी ये दो हिबिस्कस खिले नहीं हैं क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, 8:30 हो रहे हैं, तो बस थोड़ी देर में ये खिल जाएंगे। और बर्ड्स अभी भी बहुत सारी बन रही है, और साथ साथ ये मीली बग्स भी हटानी पड़ती हैं। चलिए तो फाइनली मेरे इस वाले में भी बर्ड्स आनी स्टार्ट हो चुके हैं हिबिस्कस में। ये देखिए, ये येलो है और ये पिंक है, इसकी बर्ड्स बहुत जल्द खिलेंगी। ये देखो, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज ये देखो, ये मोगरा खिली है हमारी जैस्मिन, ये बहुत ही सुंदर है ये। और ये पूरे एक साथ खिलते ना तो मज़ा आ जाता है, ये भी खिल जाएंगे वैसे मुझे लग रहा है, जितने बड़े हो रखे ने। कल ही बिल्कुल पूरी तैयार है खिलने के लिए, बस थोड़ी देर में ये भी खिल जाएंगे। पूरा एक साथ जब खिलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। उसके साथ ही हमारी वाइट वाली बोगनविलिया, ये मेरे साल्विया हैं, तो अभी तो इनमें फ्लावर नहीं लगा है बट ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी जल्दी इनमें फ्लावर्स भी लगेंगे। तो ये वाइट वाले मैंने इस तरीके से लगा दिए थे, ये देखो थोड़ी सी छाया कर दी थी साईं बाबा को। एक ये बैंगन हमने रख दिया था सीड्स के लिए, जो यहाँ पे मेरे बड़े वाले ब्रिंजल लगे थे ना, यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, तो इसकी कटिंग वटिंग भी कर दी है, एक छोड़ दिया था। अब ये सूख रहा है, इसके सीड्स बन जाएंगे, तो फिर हम इसके सीड्स जो हैं सेव करके रख लेंगे। तब तक इसे धूप में रखते हैं यहाँ पे हम, ये सूख जाएगा। इसके साथ साथ ये देखिए चने लगाए थे हमने, ये चने निकल आए हैं, यहाँ पर भी, यहाँ भी। और कुछ हमने स्प्राउट्स लगाए थे, वो भी निकल आए हैं, माइक्रोग्रीन्स, ये सूख भी गए, ये सूख भी गए, कुछ पानी नहीं डाला, कुछ ज़्यादा डाला तो ये ख़राब भी हो जाते जल्दी से। बट ये चने हमारे लगने लगे हैं, ये देखो। उसके साथ उस तरफ भी हैं कुछ, बट वो अंदर की तरफ है, आपको दिखेंगे नहीं। चलिए इधर से दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखिए आपको, ये सब चने हैं। इसकी बहुत अच्छी चटनी भी बनती है, खैर हमने तो फर्स्ट टाइम लगाए हैं, बहुत अच्छी चटनी बनती है, साग बनता है।
और ये मेरी मेथी, ये देखो बहुत अच्छी हो रही है। इसके साथ ही हमारे ये आलू भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और एक चीज़ तो मिसिंग हो गई हमारे इस हैंगिंग वाले गार्डन में, ये देखो ये पहला पेटूनिया खिला है, फर्स्ट पेटूनिया, पर्पल कलर है। मुझे भी नहीं एक्चुअली पता था कि ये कौन से कलर के हैं, क्योंकि मैं सीडलिंग लाई थी इनकी, तो अब ये फाइनली पता चल रहा है कि ये पर्पल है। बहुत सुंदर है, ये फर्स्ट है। धीरे धीरे बहुत जल्दी बढ़ते हैं ये, अब जैसे सीज़न चेंज हो रहा है बहुत जल्दी बढ़ेंगे। देखो एक दूसरी बर्ड यहाँ से भी आ रही है इसकी, ये देखो इस तरफ से। बट पता नहीं इनके लीव्स येलो येलो क्यों हैं, ग्रीन होने चाहिए, बट शायद नाइट्रोजन की कमी होगी। अभी मैंने डाली है इसमें, तो फिर देखते हैं कैसे चलते हैं। इसके साथ साथ ये तो मैं आपको दिखाती ही रहती हूँ, वो वाइट वाले देखिए आपको दिख जाएंगे दूर से। और कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे लगाए थे टमाटर, जो अब अच्छे से चलने लगे हैं, और गाजर भी लगी है यहाँ पे। गाजर एक्चुअली मैंने थोड़े दिन पहले डाली थी, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हो रही थी गर्मी की वजह से, तो मैं इसमें टमाटर लगा दिए। अब गाजर भी लगनी स्टार्ट हो गई है, देखो ये गाजर लग रही है, ये लग रही है, ये निकलनी स्टार्ट हो चुकी है स्प्राउटिंग इसकी। तो देखते हैं कैसे चलता है, क्योंकि टमाटरों को तो अच्छा पानी चाहिए होता है, और गाजर के लिए हमें पानी कम डालना होगा, तो ये ऑड सा कॉम्बिनेशन हो गया है यहाँ पर। बट लेट्स सी, इनको फिर टमाटर निकाल के कहीं और लगा दूँगी। बट बार बार अगर आप निकाल निकाल के अपनी चीज़ें इधर उधर लगाते हैं ना, तो फिर वो टाइम ख़राब होता है उसमें, और कुछ नहीं। ये हमने एक थर्माकोल का बॉक्स यूज़ किया है, इसमें भी हमने लगाई है मूली, तो ये मूली सारी जर्मिनेट हो गई। दो दो सीड्स डाले थे मैंने, और दो दो ही जर्मिनेट हो रहे हैं, देखो सब में। काफ़ी अच्छी सीड्स थे ये, हाइब्रिड है ये, दो दो दो, ये देखो दो दो दो, ये सब में दो दो ही हैं। अभी ये एक एक है, बट एक एक और आ जाएगा नीचे से, ऐसी पूरी उम्मीद है मुझे। तो और ये हमारी जुकीनीज, ये देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले ली इन्होंने अब। और ये हमारा पालक देखिए काफ़ी अच्छा चल रहा है, वहाँ भी कुछ ये गिर भी रहे हैं पानी की वजह से। मैं सोचूँ इनको निकाल के अगर आप कहीं और लगा देंगे, क्योंकि अभी ये गिरे तो है बट ये ख़राब नहीं हुई है, तो अगर आप इसे कहीं और लगा देंगे तो ये वहीं से चल पड़ेगी फिर। तो मैं देखती हूँ अभी, इनको करती हूँ ट्रांसप्लांट। तो ये देखो धनिया डाला था, बट धनिया अभी तक जर्मिनेट नहीं हुआ है। और कोकोपीट में मैंने लगाया था, वहाँ पे थोड़ी जर्मिनेशन आ गई है, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। और ये हमारी सुकीनी, ये बड़ा वाला पौधा, वो काफ़ी बड़ा हो गया, तो पूरे ड्रम को घेरने को हो रहा है। काफ़ी अच्छा लग भी है, काफ़ी अच्छा रहा है, ग्रीनरी भी बहुत अच्छी हो रही है इससे। और देखते हैं सुकीनी कैसी लगती है, वो तो आपको फ्यूचर में ही पता चलेगा, आपको और हमें सबको। ये भी मूलियाँ थी, देखो अब ये टू लीव्स आ गई हैं इसकी, ये देखो। और इसके नीचे भी मूलियाँ लगाई थी हमने, ये काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही हैं अब। और ये हमारे एप्पल बेर, इस पर इतने सारे फूल खिल रहे हैं, ये देखो। होपफुली एप्पल बेर भी कुछ लग जाए एक आधा, ये देखो ये न्यू लीव्स, इसकी न्यू लीव्स है। और हमारे अनार के सारे फूल झड़ चुके हैं, नए आ रहे हैं, पुराने झड़ते जा रहे हैं, ये देखो ये न्यू है। ये गर्मी से बेचारे की ऐसी हालत हो गई है, ये पूरा जल रही है इसकी लीव्स, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। शायद इसके फ्लावर्स गिरने का भी यही रीज़न है, क्योंकि पानी तो हम देखते देखते ही देते हैं, जब मिट्टी सूख जाती तभी देते हैं, लेकिन इसके फ्लावर्स जो गिर गए वो ज़्यादा गर्मी की वजह से। और ये हमारे दो छोटू वाले कड़ी पत्ते, ये काफ़ी अच्छे चल रहे हैं इसमें, इन्होंने अपनी जड़ पकड़ ली है हमारी। अब मैरीगोल्ड्स, ये भी बड़े हो चुके हैं, इसमें पानी देना रह गया। ये हमारा आंवले का पौधा है, ये देखिए हमारी माइक्रोग्रीन्स, ये बिल्कुल तैयार है अब खाने के लिए। उसके साथ साथ ये अरबी, मैं सोची थी इसे निकाल दूँ, क्योंकि इसके पत्ते तो हम तोड़ तोड़ के खा चुके हैं, पता नहीं अरबी नीचे लगेगी कि नहीं, बट फिर भी मैंने इसको छोड़ा हुआ है एज एन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे कुछ ये खाली कर दिया था, क्योंकि मैंने एक दो निकाल के चेक करी थी कि कुछ लग रही हैं कि नहीं, दो निकाली थी, एक में तो नहीं लग रही थी, लेकिन दूसरी वाली में नीचे अरबी लग रही थी, तो इसलिए फिर मैंने बाकियों को छोड़ दिया है कि चलो क्या पता कुछ लग जाए। और उसके साथ साथ यहाँ पर अब हम लगाएंगे कुछ जड़ वाली सब्जियाँ, मूली गाजर वो सब लगा देंगे, तो फिर बीट रूट्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको भी खाली नहीं करूँगी। तो यहाँ भी हमने कुछ लगाए थे स्प्राउट्स, ये भी स्प्राउट्स आ चुके हैं,
यहाँ पे हमने, ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ अपने लास्ट ईयर के डायंथस के सीड्स डाल दिए थे, तो ये जर्मिनेट हो गए हैं। उसके साथ साथ ये तो हमारी एक कटिंग वाली क्रिसेंथमम है, पुदीना चल रहा है, काफ़ी अच्छा हो गया अभी क्योंकि मौसम बदल गया है, तो ये काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी फैल जाएगा अभी पूरे इसमें। उसके साथ साथ कुछ और सीड्स लग रहे हैं हमारे फूलों के, इनके लिए अभी मिर्चे हैं ये, इनको ट्रांसप्लांट नहीं किया, इनके लिए अभी जगह नहीं बन पा रही है, देखते हैं कहाँ करती हूँ मैं इनको ट्रांसप्लांट। तो अभी कुछ और ये टमाटर के पौधे निकल रहे हैं, लेट्स सी। और ये यहाँ भी एक ये काफ़ी अच्छे चल चुके हैं, ये देखिए ये टमाटर के सीड्स हैं, ये मैंने तो खुद घर में ही अपने टमाटर से जो ग्रो करे थे ये वो वाले पौधे हैं, और यही सबसे अच्छे चल रहे हैं, जो मैंने सीड्स मार्केट से मंगा के लगाए थे वो उनकी ग्रोथ, ये देखिए ये उनकी ग्रोथ है। तो देखते हैं पता नहीं कैसे चलेंगे ये, अभी वैसे इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है लेकिन ये कंटेनर इनके लिए छोटा है, इसमें टमाटर नहीं लगेंगे, तो देखते हैं। ये देखिए ये लास्ट ईयर के मेरे क्रिसेंथम के सीड्स मैंने डाले थे, सारी जर्मिनेशन हो गई है, ये देखो बस दो चार दिन में अभी इनको ट्रांसप्लांट करने का टाइम आ जाएगा। और धनिया, सबसे बड़ी बात है कि धनिया जर्मिनेट होना स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए इसमें मैंने डाला था धनिया, ये दिख रहा होगा आपको छोटा छोटा, ये देखो ये जर्मिनेशन धनिया की स्टार्ट हो चुकी है, तो इसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यहाँ भी एक छोटी सी शूट है तो इसको हम बाद में ट्रांसप्लांट कर देंगे, लेकिन इसको भी बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत कोमल होती हैं शूट्स और दिन की धूप में ये बेचारी मर जाएंगी, तो इसलिए अभी मैंने इनको इस तरीके से बचाया। देखिए मैंने इनको गमले के नीचे, ये जो स्टैंड है इसके नीचे यहाँ गमलों के बीच में बचा के रखा है, सो दैट यहाँ पर इसमें छन छन के धूप आएगी इनको, और कोशिश कर पा रहे हैं चल जाएँ अच्छे से। इसके बाद ये हमारी जेड है, और ये एक रोज़ यहाँ रख दिया, वो ऊपर वॉल पे जगह नहीं थी। तो फ्रेंड्स ये है अपडेट, ये हमारी गुलदाउदी, और वहाँ पे कुछ और फ्लावर्स के पौधे हैं जिनकी अपडेट धीरे धीरे मिलती रहेगी। फाइनली मैंने इसको निकाला नहीं पॉट से, लेकिन मैंने इसको कट कर दिया है, तो यहाँ से थोड़ी स्पेस खाली हो गई है। तो फ्रेंड्स ये बेचारे की हालत बहुत ख़राब है गर्मी से, देखिए इसको नेट की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर दिन की धूप में ये जल जाता है, तो नेट तो अभी कौन डालेगा, एक बार जब निकाल दी तो फिर डालने का थोड़ा सीन नहीं रहता है, ये पीछे अच्छा चल रहा है। सो फ्रेंड्स ये था आज मेरे छोटे से गार्डन का अपडेट, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये अभी सारे खिलेंगे, ये जितनी बर्ड्स आपको बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं ये सब अभी थोड़ी देर में खिल जाएंगी 10 बजे के आसपास। सो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो, चलिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग, बाय बाय।